दोस्तों आज सदन के अंदर दंगल हो रहा है, दंगल समझ रहे हैं, आर पार की लड़ाई हो रहा है, आर पार दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इंडिया प्लस एनडीए एक दूसरे पर जम कर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के एनडीए तो नजर आ रहे हैं लेकिन एनडीए के मुखिया जो है वो पार्लियामेंट से गायब है, यानी कि हमारे एक अकेले प्रधान सेवक जो है वो पार्लियामेंट के सदस्य होते हुए भी पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी नील बटा सन्नाटा है। अगर देखा जाए उनके अटेंडेंस को तो उनका अटेंडेंस जो है सिर्फ एक दिन के अलावा, इंडिया घमंडिया इंडिया इंडियन मुजाहिदीन के अलावा कोई भी उनका अटेंडेंस जो है इतने दिनों के सेशन में नजर नहीं आया है। और जिस दिन से राहुल गांधी की दस्तक हुई है उस दिन से तो गृहमंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी नजर आ रहे हैं, पीयूष गोयल, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पार्लियामेंट हाउस में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को छोड़कर। और आज इसी को लेकर दोस्तों कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा पोस्टर जारी कर दिया गया है जिसे देखकर लोगों के मीम्स जो है वो बनने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस खुद मीम्स बना बनाकर शेयर कर रहा है। दरअसल दोस्तों ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पार्लियामेंट हाउस की जिसको शेयर किया है कांग्रेस ने, और इसको शेयर करते हुए क्या लिखा है ये आपको देखना दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों ये प्रधानमंत्री की एक कार्टून भरी प्रतिमा बनाई है और पार्लियामेंट दिखाया है और प्रधानमंत्री यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को ट्वीट करते हुए कांग्रेस लिख रहा है दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, यानी कि पार्लियामेंट से वो भाग रहे हैं, बच रहे हैं, वहां पर उनकी मौजूदगी जो है वो नहीं है। तो सीधे तौर पर कटाक्ष जो है इस वक्त कांग्रेस की तरफ से बड़ा पोस्टर जारी करते हुए दिखाया जा रहा है कि क्या हाल हो गया है प्रधानमंत्री का। इंडिया गठबंधन बनने से प्रधानमंत्री जो है वो बेचैन है, और वो क्या कर रहे हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगी, दिलचस्प चीजें हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है वो पार्लियामेंट में तो मौजूदगी नहीं है लेकिन वो अपनी मौजूदगी कहाँ दर्ज करा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वक्त लोगों के जरिए बहुत सारी चीजें शेयर की जा रही है, खासकर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस जो है वो कोई मौका जो है वो छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मौका पे जो चौका मारने वाली चीज है ना वो कांग्रेस की तरफ से इस वक्त दिखाई दी जा रही है। तो इस आप तमाम वो तस्वीरें देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी प्रधानमंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो संसदीय बैठक कर रहे हैं, जी हाँ, अपने सांसदों को लेकर बैठक कर रहे हैं और इंडिया घमंडिया कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई आपको इंडिया कहे तो आप उन्हें कहिएगा घमंडिया है। और तो और वो अपने सांसदों को जो है टिप्स दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं कि कैसे जो है आपको कांग्रेस से बचना है और कांग्रेस जो है क्या करने की कोशिश कर रही है, ये सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है दोस्तों, 18 घंटा काम जो करते हैं प्रधानमंत्री, और इसी 18 घंटे में जब प्रधानमंत्री की संसदीय बैठक होती है तो उस बैठक में कहते हैं कि इंडिया जो है यानी कि INDIA जो गठबंधन है वो आखिरी गेंद पर छक्का मारना चाहता है, ये प्रधानमंत्री का बयान है दोस्तों, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। सदन से वो दूर हटके संसदीय बैठक में ये सब कुछ कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आखिरी गेंद पर छक्का मारना चाहता है, यानी कि वो आखिर में जीतना चाहता है। अब जीत किसकी होगी हार किसकी होगी ये तो जनता डिसाइड करेगा दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनके साथ आए, जनता उनसे जुड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सिर्फ मणिपुर को छोड़कर, मणिपुर जाने से और मणिपुर को लेकर जो है उनकी चुप्पी साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है, बाकी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है, इवेंटबाजी में कोई कमी नहीं है, फोटोग्राफी में भी कोई कमी नहीं है, सौगात शिलान्यास सब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ देश में जो मणिपुर है उस मणिपुर को छोड़कर बाकी सब पर चर्चा की जा रही है, बाकी सब पर बात हो रही है, इसी को लेकर कांग्रेस लगातार दबाव बना रहा है। और कांग्रेस का जो ये दबाव है वो कितना सफल होने वाला है दोस्तों वो 2024 के इलेक्शन में पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं मध्य प्रदेश में हो जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान में, तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि जनता किस ओर जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी जंग जारी है पार्लियामेंट के अंदर, दोनों ही
दल के लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।